हेलो गाइस वेलकम बैक इन अव व्लॉग और आज हम देखने वाले हैं ऑल न्यू वरना दिस इज टॉप एंड वेरिएंट टर्बो पेट्रोल मैनुअल इस तरह से आपको मिल जाता है इसमें फ्रंट लुक विद होराइज़न एलईडी ई तो इस तरह से आपको मिल जाता है वरना में फ्रंट लुक जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है इसकी विट की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है सबसे ज़्यादा विट एज कंपेयर टू अंडा सिटी एंड वर्टस एंड स्लाविया और इसमें आपको मिल जाएगा अब एडेस लेवल टू अच्छे लाइट्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलती है और लाइट्स एल लाइट्स एंड यहाँ पर नीचे आपको मिल जाते हैं इसमें हेडलेम्प्स विद्स इंडिकेटर और यहाँ पर एयर इनटेक के लिए यहाँ पर वेंट्स मिल जाते हैं फ्रंट में चार पार्किंग सेंसर्स से, है इसमें तो बात कर लेते हैं इसके साइड व्यू की तो साइड से आपको कुछ इस तरह से दिखेगी गाड़ी तो लेंथ इसमें काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी की अगर बात करें इसके रेयर की तो यहाँ पर आपको मिल जाती है बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्टेड टेल लाइट्स जिसमें कि आपको इसके अंदर ही एमबीडिड मिलेगा वरना लिखा हुआ यहाँ पर एंड यहाँ पर आपको मिल जाती है 1.5 टर्बो की बैचिंग और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसमें रेयर कैमरा नीचे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पियानो फिनिश में मिल जाता है डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स और इस तरह से आपको मिल जाती है इसमें टेल लाइट्स जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और अगर इसकी हम शेप की बात करें तो वरना में अब आपको कुछ कूपे टाइप की शेप मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपको बी एमडब्ल्यू एक्स फोर में मिलती है तो इस तरह से आपको इसमें कूपे शेप मिलेगी और पीछे आपको मिल जाता है इसमें फॉगर्स एंड ऊपर मिल जाता है इसमें शार्फिन एंटीना डोर हैंडल्स मिल जाते हैं सिल्वर कलर में और यहाँ पर आपको मिल जाती है आ, क्रोम में फिनिशिंग जो कि कंटिन्यू हो, होती है फ्रंट में ओ आर वी एम तक ओ आर वी एम की बात करें तो यहाँ पर आपको एल ई डी इंडिकेटर्स के साथ में ओ आर वी एम मिलते हैं अब देखने में गाड़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वरना जो कि यहाँ पर खड़ी है सामने आप देख सकते हैं तो काफ़ी मेजर चेंजेस किए हैं युंडाई ने इसमें टायर साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सिक्सटीन इंचज़ के टायर्स तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ब्लैक अलॉयज़ डिस्क ब्रेक्स रेड कैलिपर्स आपको इसमें मिल जाते हैं इस, इस तरह की आपको इसमें की मिल जाती है जो कि चेंज कर दी है युंडाई ने यहाँ पर आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी एंड यहाँ पर होल्ड करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा तो अनलॉक करते हैं इस तरह की आपको इसमें साउंड मिल जाती है एंड अब अंदर जा देखते हैं यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है ऑल ब्लैक थीम के साथ में डोर और यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न मिल जाते हैं दिस इज़ दी हार्ड प्लास्टिक डोर ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाती है सिल्वर इंसर्टिंग एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाती है ऑल फोर पावर विंडोज़ विद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर वी एम्स एंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बोस है, की स्पीकर और अच्छा खासा आपको इसमें वो बोतल को रखने के लिए स्पेस मिल जाता है और सीट्स की बात करें तो इट्स अ टॉप वेरिएंट तो यहाँ पर आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है लेदर रैप के साथ में स्टेयरिंग विद कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है लेन असिस्ट विद क्रूजिंग के साथ में क्योंकि इसमें लेवल टू एडास आता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अब लेन असिस्ट के साथ में ऑप्शन एंड यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए एसी वेंट्स की बात करें तो, तो यहाँ पर रेड टच दिया गया है इसको और स्पोर्टी बनाने के लिए ई इवेंट्स पर डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाती है हार्ड प्लास्टिक एंड यहाँ पर आपको दिया गया है सॉफ्ट टचन स्टार्ट तो कार को ऑन करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलता है स्क्रीन पर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को मिल जाता है इसमें फुल्ली डिजिटल विद 11 इंच स्क्रीन एंड यहाँ पर भी आपको मिल जाता है इन्फोटेनमेंट सिस्टम फुल्ली डिजिटल विद टच इस तरह की आपको इसमें मिल जाती है स्क्रीन मैप नेविगेशन फ़ोन मीडिया ऑप्शन ब्लू लिंक का भी ऑप्शन इसमें मिलता है तो स्क्रीन इज वेरी फास्ट कोई भी आपको इसमें लैग नहीं मिलेगा रियर कैमरा देख लेते हैं आपको इस तरह से मिल जाता है रियर कैमरा इसमें आपके पास में काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं अगर अगर आप, आपको डाउन साइड देखना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है नीचे भी आपको इसमें एक कैमरा मिल जाता है ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जाता है कूल्ड ग्लव बॉक्स और यहाँ पर आपको एक स्पेशल फ़ीचर मिल जाता है जैसे कि आप इस कंसोल को देख सकते हैं यहाँ आप पर आपको मिल जाते हैं एसी कंट्रोल्स और अगर आपको इसको एज अ इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है इसको प्रेस करने पर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इन्फोटेनमेंट कंट्रोल्स विच इज़ अ वेरी गुड फीचर और सीट्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको इस तरह से सीट्स मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको रेड स्टिचिंग देखने को मिलेगी इस तरह से आपको मिल जाती है सीट्स नीचे मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स के लिए बटन ड्राइवर एंड को पैसेंजर के लिए आपको मिल जाती है इसमें वेंटिलेटेड सीट्स विद कूल जो कि आपको इसमें हीटेड भी मिलेगी हीटेड सीट्स भी मिलेगी एंड कूलिंग का भी ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स जो कि कूल cool भी करेगी एंड साथ में आपको इसमें हीटिंग सीट्स का भी ऑप्शन दिया गया है नीचे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट विद यूएसबी एंड वायरलेस इसमें आपको मिल जाता है चार्जिंग का ऑप्शन आपको थ्री मोड्स मिल जाते हैं पार्किंग एंड टू पार्क यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिल जाता है ड्राइव मोड गेयर बॉक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है सिक्स स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स और यहाँ पर आपको मिल जाती है रेड स्टिचिंग बिकॉज इट्स अ टर्बो वेरियंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टू कप होल्डर्स और यहाँ पर आपको मिल जाता है हैंडरेस्ट आई आर वी एम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक आई आर वी एम एंड ऊपर आपको मिल जाते हैं इसमें एल ई डी लैम्प्स और साथ में आपको मिल जाती है सन रूफ काफ़ी डिसेंट साइज दिया गया है सन रूफ का इसमें यहाँ से आपको मैनुअली इसको क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पर आपको मिल जाता है सनशेड्स विद वैनिटी मिरर एंड पैसेंजर साइड में भी आपको मिल जाते हैं सनशीड्स विद वैनिटी मिरर एंड बहुत ही लाइट स्टेयरिंग आपको इसमें मिल जाता है यहाँ पर आपको सीट बेल्ट वार्निंग्स भी देखने को मिल जाती है तो एक बार कार को स्टार्ट करके देख लेते हैं स्पोर्ट uh, कार वाली फील आने वाली है क्योंकि एग्जॉस्ट इसमें लगा हुआ है जो क्योंकि इट्स अ टर्बो वेरिएंट एंड अब बात कर लेते हैं रियर में आपको कैसे स्पेस मिल जाता है देख लेते हैं और रियर में आपको इस तरह का मिल जाता है डोर पैनल स्पेस की बात करें तो यहां पर आपको स्पेस इज गुड इनफ क्योंकि मेरी हाइट है फाइव एट तो यहाँ पर इतना आपको स्पेस मिल जाता है एंड सेंटर में बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं टू ए सी एंड यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए भी स्लॉट दिया गया है स्मॉल स्टोरेज को फ्रंट में लैम्प मिलता है एंड पीछे भी आपको इसमें लैम्प मिल जाता है सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है जिससे कि आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट रेस्ट मिल जाता है आपको इसमें एंड पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसमें पीछे और पीछे आपको इसमें मिल जाता है कर्टेन विच इज़ मैनुअली ऑपरेटिंग इस तरह का आपको इसमें मिल जाता है व्यू फ्रॉम पैसेंजर साइड अब बात कर लेते हैं बूट की कि बूट में आपको कितना स्पेस मिल जाता है स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है, गाइस। और यहाँ पर आपको एक सब वोवर भी मिल जाता है पीछे। एंड एक यहाँ पर बूट लैम्ब भी मिल जाता है। स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील, जो कि 15 इंचेस का है। पार। पार। एक बार इसका इंजन भी ओपन करके देख लेते हैं इस तरह का आपको इसमें मिल जाता है इंजन टर्बो की बैचिंग मिल जाएगी यहाँ आप पर आपको पावर की बात करें तो कार प्रोड्यूस करती है 157 फिफ्टी सेवन बी लाइट ऑन करने पर आपको इस तरह से इसमें लुक मिलेगी देखने के लिए